हम जा रहे हैं बरमपुर, तो भुवनेश्वर से बरमपुर बाई स्कूटी हम जा रहे हैं। अभी तक 132 किलोमीटर कवर किया है और अभी खाना खाने के लिए रुके हैं, खाना खा के फिर जाके जाएंगे। और एक्चुअली बरमपुर घूमने के लिए गए हैं, लेकिन कुछ काम भी है, उसके साथ हम काम भी ख़त्म कर लेंगे। तो चलो खाना खा के फिर से निकलेंगे। 132 ऑलमोस्ट कवर कर लिए और आसपास बरमपुर के आसपास हम लोग पहुँच चुके हैं, तो पहुँच जाएंगे। और आई थिंक और 50 या 60 किलोमीटर होगा। खाना ख़त्म हो गया और अब हम निकल रहे हैं। टाइम हो रहा है और धूप भी ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए जाना पड़ेगा जल्दी जल्दी। आज आई हूँ और मेरे दोस्त लोग भी आए हैं मेरे साथ, तो हम आए हैं अपनी फाइनल सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो वो अभी एप्लीकेशन लिख के उसके बाद सर्टिफिकेट लेके हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। चलो एक्चुअली अब हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, मतलब हमारा एप्लीकेशन अभी सर के पास गया है, प्रिंसिपल सर के पास। वो सिग्नेचर करने के बाद हमको मतलब हमारा सर्टिफिकेट मिलेगा। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, अभी तो यहाँ पे वेट करना पड़ेगा ही। तो चलो मैं तो वेट कर रही हूँ, तो आप लोग घूम के आ जाओ कहीं पे। मैं हमारा सर्टिफिकेट मिल गया, तो अभी मैं यहाँ से कॉलेज से जा रही हूँ और ये मतलब लास्ट पर आए थे हूँ, अभी कॉलेज को बाय बाय कहना है। चलो चलते हैं। तो कॉलेज का काम तो ख़त्म हो गया, तो अब हम आए लंच करने, और लंच करने के बाद हम लोग फ्रेश होके उसके बाद घूमने जाएंगे। तो अब हम आए हैं ढाबा, तो ढाबा में खाना खा के उसके बाद निकल जाएंगे फ्रेश होके, उसके बाद मार्केट जाएंगे घूमने। चलो मैं बोल रही थी ना, हम लोग खाना खा के फ्रेश होके उसके बाद, अभी शाम हो गया है, 5 बज रहा है और अभी हम लोग जा रहे हैं बरमपुर मार्केट घूमने के लिए। तो वहाँ पे घूम के उसके बाद देखते हैं वहाँ पे क्या करना है क्या नहीं। तो चलो वीडियो रेस्टोरेंट जो है वो बरमपुर फेमस है, मतलब फेमस रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे जो नॉनवेज है बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन मैं जब भी मतलब बरमपुर आती हूँ ना, तो गिरिजा रेस्टोरेंट तो मतलब आती हूँ खाने के लिए, तो आज भी आई हूँ खाने के लिए। तो चलो चलते हैं। हम अभी आ चुके हैं रामलिंगेश्वरम, तो अभी यहाँ पे मतलब आप देख सकते हो बहुत मतलब कितना अच्छा दिखता है। तो इसका जो एंट्री फ़ी है एडल्ट के लिए है 20 रुपीज़, और छोटे बच्चों के लिए है 5 रुपीज़। और एक बात बोलूँ तो मुझे, मैं जब टिकट करने गई थी
मतलब वो मुझे सोचे कि वो मैं छोटी बच्ची हूँ, इसलिए मेरा टिकट छोटे बच्चों में कर दिया। और एक यहाँ पे एक स्पेशल मतलब वाटर शो होता है, तो उसके लिए है 50 रुपीज़ है, और वो 8:20 में शुरू होता है। और हम लोगों को यहाँ पे मतलब नॉर्मल टिकट जो होता है वो 7:50 में वो ख़त्म मतलब ख़त्म हो जाएगा, तो हम लोगों को 7:50 को हम लोगों को निकलना पड़ेगा। तो चलो थोड़ा देखते हैं। और ये जगह ना मतलब अभी अभी ऐसे है, लेकिन पहले ही जगह बहुत गंदा था, लेकिन यहाँ का मतलब ये बहुत ही चेंज हुआ है। मतलब यहाँ का जो काम देख के मतलब अगर वो वाला फ़ोटो मेरे पास होता तो मैं दिखाती, लेकिन यहाँ पे बहुत ही गंदा था, लेकिन अब ये जगह बहुत ही सुंदर बन गया है। तो चलो देखते हैं। और वाटर डांसिंग का हम देख नहीं पाएंगे, क्योंकि एक तो हमारे पास टाइम नहीं है और जल्दी से जाना पड़ेगा, इसलिए हमने वो वाला टिकट नहीं बनाया। चलो देखते हैं जगह, आपको दिखाती हूँ। वहाँ पे ही शिव जी का मतलब बहुत बड़ा स्टैचू है, तो वहाँ एक्चुअली एक तो हमारे पास टाइम नहीं है ना, तो ये वाला शो हम नहीं देख नहीं पाएंगे, तो बाद में अगर कहीं कभी आऊँगी तो वो मैं देखूँगी। लेकिन थोड़ा और गिरजे रेस्टोरेंट में और एक प्रॉब्लम हो गया कि वहाँ पे ना उनका जो मतलब जो स्पेशली चिकन पकौड़ा होता है ना, उसका एक मतलब वो उसका रेसिपी किसी के साथ उन्होंने शेयर नहीं किया है, तो वो नहीं चाहते थे कि उनके रेस्टोरेंट का वीडियो बने। तो वो मैं जब वीडियो बनाने गई थी तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, तो सबका तो कुछ ना कुछ रूल्स होता है, तो छोड़ो अब हमको तो उनका रूल्स सुनना मानना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे अभी एंजॉय करते हैं। इधर मतलब लोग आके टाइम हो गया है, तो सब आके बैठ गए हैं वाटर डांसिंग जो शो है वो देखने के लिए। तो मतलब कैसे चेयर वगैरह सब है इधर बैठने के लिए, तो आप देख सकते हो। आप भी कभी भी आओगे तो इधर टाइम लेके आना और अच्छे से ये सब एंजॉय करके जाना। टाइम क्योंकि अभी उनका मतलब शो शुरू होने वाला है, तो हम लोगों को निकलना पड़ेगा, नहीं तो अगर शो देखना है तो फिर से 50 रुपीज़ का आपको मतलब टिकट करके आना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। और एक्चुअली टिकट का प्राइस था 10 रुपये, सॉरी मैंने गलती से 20 रुपये बोल दिया। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, तो कल मिलेंगे। अभी के लिए गुड नाइट, बाय बाय।